नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ हर गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हुंडई सेंट्रो जिंक के बारे में। वैसे तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई है हुंडई की कंपनी की तरफ से, लेकिन आज भी मार्केट में इसके चाहने वाले लाखों दीवाने हैं। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट से इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इंजन के बारे में, इंटीरियर के बारे में और बहुत सारे इसके अंदर जो जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी रही है मार्केट में। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी की पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस की बात करें तो करीब 3 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस मार्केट में मिल जाती थी। लेकिन अगर सेकेंड हैंड कार की मार्केट की बात करें तो ये गाड़ी यूज कर मार्केट में आपको 2008 से लेकर 2010 का मॉडल आराम से अच्छी कंडीशन गाड़ी आपको 1.25 लाख के आसपास मिल जाएगी। अगर आपको मिलती है तो आप इसको बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी और शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट से अगर हम शुरुआत करें तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो ओवरऑल हाइट है इस गाड़ी की, ये जो टोटल हाइट की बात करें तो करीब 1590 mm की इसकी टोटल ओवरऑल हाइट है। वहीं बात करें इसके अगर चौड़ाई की, तो इसके जो चौड़ाई है वो करीब 1525 mm की इसकी चौड़ाई है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको मैं ऊपर से बता दूँ, ये आपको इसमें मिल जाएगा 2 वाइपर्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपको वॉशर। नीचे आएंगे तो आपको बीच में हुंडई का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशर, इसमें आपको ग्रिल मिल जाएगी छोटी सी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेलोजन हेडलैम्प, बहुत पुरानी हो चुकी है आप इस गाड़ी की लाइट पर इसमें आप मत जाइएगा। हेलोजन हेडलैम्प यहाँ मिल जाएगा, यहाँ आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगी, नीचे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। बॉडी कलर्ड बम्पर आपको मिल जाएगा जिसमें हल्की सी रेडिएटर की ग्रिल दी हुई है। फॉग लैंप्स इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, टॉप मॉडल जो आता था उसमें आपको फॉग लैंप देखने को मिलता था। तो ये था इसका कुछ फ्रंट, एक बार आप वापस से अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब इसके साइड लुक में चलते हैं और साइड में एक बार देख लेते हैं कि साइड से गाड़ी कैसी लगती है। गाड़ी की अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें, गाड़ी की लंबाई की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया 3565 mm की इसकी ओवरऑल लंबाई है गाड़ी की। उसका जो व्हील बेस है वो करीब है 2380 mm का। तो ये है ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो करीब 164 mm की इसका अच्छा खासा आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टायर साइज़ की तो करीब 13 इंच के टायर मिल जाएंगे। टायर साइज़ की पूरी बात करें तो 165x65R13 mm 13 इंच के आपको इसमें स्टील रिम के टायर देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कुछ इस तरीके से इसका। बात करते हैं चलिए अब इसके साइड की, तो साइड में आपको मिल जाता है यहाँ फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर, यहाँ ओरवीएम मैनुअली इंटरनली एडजस्टेबल ओरवीएम मिल जाएगा, बॉडी कटर डोर हैंडल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डोर पे आपको कोई भी क्रोम फिनिशिंग की नहीं मिलेगी, ऊपर कोई रूफ रेल वगैरह नहीं मिलेगा, प्लेन रूफ है एकदम। गाड़ी ये फैक्ट्री फिटेड LPG वाली गाड़ी है ये मॉडल। तो कुछ इस तरीके का इसका साइड लुक है, एक बार आप वापस देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं तो अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है इंटीरियर में, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं, पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाना भूल गया। कुछ इस तरह की इसकी आपको चाबी देखने को मिलेगी। डोर से शुरुआत करते हैं तो डोर में आपको बता दूं हार्ड प्लास्टिक आपको इसमें दिया गया है, छोटी सी फैब्रिक की फिनिशिंग स्मूथनेस के लिए दी गई है। यहाँ पे आपको डोर के लिए हैंडल मिल जाएगी जिसमें आप छोटे मोटे जगह भी दी हुई, आप इसमें छोटा मोटा कुछ अपने सिक्के वगैरह भी कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। ये है आपका डोर लॉकर, यहाँ पे ओपन और क्लोज ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको फ्रंट की 2 पावर विंडोज़ के यहाँ पे स्विचेज आपको देखने को मिल जाएंगे। डोर पे ही आपको छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आप न्यूज़पेपर या छोटा मोटा और भी पेपर्स यहाँ पे रख सकते हैं। सीट की बात करें तो कुछ इस तरीके की आपको सीट मिल जाएगी फ्रंट की। इसमें अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है, लेगरूम और हेडरूम इसमें आपको इस केबिन में अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हेडरेस्ट की बात करें तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं स्टीयरिंग की। अंदर 3-स्पोक स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। यहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। जो स्पीडोमीटर है, टॉप स्पीड की बात करें तो 141 km/h की टॉप स्पीड है इसमें। करीब 16.5 सेकंड में ये गाड़ी 0 to 100 seconds में रफ्तार पकड़ लेती है। यहाँ पे आपको किलोमीटर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ की आपको RPM देखने को मिल जाएगा। यहीं बात करें तो आपको इंजन का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रंट में 4 AC vents डैशबोर्ड के यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपको हैजर लाइट यहाँ दी हुई है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का दिया हुआ है। LPG की गाड़ी है इसलिए LPG का स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। AC का कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैनुअल AC है।
यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर पे यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्लोव बॉक्स, फ्रंट में आपको यहाँ पे दो स्पीकर्स ग्रिल, यहाँ पे स्पीकर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बात करें तो ये नीचे की बात करें तो ABC पैडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यह आपका मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है। ये केबिन की लाइट आपको लैंप यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सनरूफ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको सनवाइजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ टिकट होल्डर के साथ। ये आपका हैंडल यहाँ दिया हुआ है को ड्राइवर साइड, आगे के फ्रंट को ड्राइवर पैसेंजर साइड जो है गाड़ी का फ्रंट में आपको यहाँ पे पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ पे डोर पे देखने को मिल जाएगा। तो 5-speed मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। यहीं नीचे बात करें तो कप होल्डर मिल जाएगा, छोटा सा स्पेस और दिया हुआ है कुछ छोटे मोटे सामान रखने के लिए। यहाँ भी एक छोटा सा कप होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये सीट बेल्ट लॉक यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है। चलिए एक बार आपको रियर में भी दिखा देते हैं। रियर की बात करें तो रियर में आपको पावर विंडो नहीं मिलेगी, फ्रंट 2 पावर विंडोज इसमें मिलेगा। पीछे आपको मैनुअली क्लोज और ओपन विंडो ओपन करने के लिए आपको हुक यहाँ मिल जाएगा। पीछे भी आपको देखेंगे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको फाइबर की शीट देखने को मिल जाएगी। बैक साइड में आप सीट की बात करेंगे तो 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। लेग रूम हेडरूम अच्छा खासा केबिन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्लेन ये सन आपको रूफ कोटिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए एक बार आपको मैं रियर से भी दिखा देता हूँ। रियर से देखेंगे तो गाड़ी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। पीछे आपको डैश आपको डिफॉगर वॉशर वाइपर कुछ वॉशर वाइपर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सेंट्रो जिंक की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हुंडई की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये है इसका टेल लैंप। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाएगा। यहाँ बीच में आपको साइड में इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। रिवर्स लाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो आपको बॉडी कलर बम्पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से इसका एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप बात कर लेते हैं इसके ब्रेक्स की। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्टड्स विद स्टेबलाइजर बार के साथ आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें रियर सस्पेंशन की तो रियर में आपको टॉर्शनल बीम एक्सेल 3-link ऑफसेट कॉइल स्प्रिंग के साथ आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो करीब 35 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। वहीं अगर इसके माइलेज की बात करें तो करीब 18 किलोमीटर पर लीटर का आपको इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर सिटी की बात करें तो सिटी में करीब 14 लीटर के आसपास का आपको इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके इंजन की कि इंजन में आपको इंजन की जो पावर है वो क्या है। इससे पहले मैं आपको एक बार बूट स्पेस दिखाना चाहूँगा कि आप बूट स्पेस देखते हैं कि इसमें बूट में क्या क्या देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका बूट स्पेस है। बूट स्पेस की बात करें तो करीब 218 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा। पीछे भी आपको दो स्पीकर्स की यहाँ पे आपको बूट में जगह दी गई है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको LPG का टैंक देखने को मिलेगा। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील इसके ऊपर फिट किया जाता है, फिलहाल इस गाड़ी में अभी है नहीं। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की, इसके इंजन की कि इंजन की क्या क्या पोजीशन है। तो ये है हुंडई का इन लाइन इंजन जिसमें 4 सिलेंडर आपको मिल जाएंगे। 3 वॉल्व पर सिलेंडर इसमें मिल जाएगा, करीब 12 वॉल्व आपको चारों सिलेंडर में मिल जाएगा। पावर की अगर बात करें तो करीब 63 PS 5500 RPM पे इसकी पावर आपको इसमें इंजन में मिल जाएगी। वहीं टॉर्क की बात करें तो करीब 9.8 kgm 3000 RPM पे इसका टॉर्क मिल जाएगा। 1086 cc का इसका इंजन है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका इंजन है। चलिए एक बार इसका साउंड भी देख लेते हैं, इसका साउंड कैसा लगता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपके पास टाइम से टाइम पहुँच सके। तो चलते मिलती है अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई गाड़ी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड जय हिंद।